खंडवा, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर को लॉकडाउन करने की घोषणा की गई थी। कोरोना वायरस के चलते ही खंडवा में भी धारा 144 लगाई गई है, जिस तहत आम जन को अकारण घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही की गई है। बावजूद इसके शहर में कुछ लोग घूमते दिखाई दिए, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई है। CSP ललित गटरे ने बताया कि कोतवाली थाना, मोघट थाना, पदन नगर थाने पर धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 6 लोगों पर धारा 188 IPC के तहत केस दर्ज कर सभी के ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। साथ ही CSP ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि बहवाजी शहर में अनावश्यक भ्रमण न करें, अन्यथा लॉकडाउन के दौरान वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि विदित है कि खंडवा ज़िले में भी जो लॉकडाउन के चलते और धारा 144 रहा भी है, उसके बावजूद भी शहर में कुछ लोग अनावश्यक रूप से भ्रमण कर रहे हैं, इसके हमने कार्रवाई की है। और अभी कुल मिला के टोटल 8 FIR दर्ज की जा चुकी है 188 पे, और ऐसे लोगों के जिनके लाइसेंस है उनको भी निरस्त किया गया है। तो हमने थाना कोतवाली में 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए, थाना मोघट में 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए, और थाना पद्मनगर में भी इस तरीके से 3 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। उनको लगातार समझाइश भी दी जा रही है और उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, और उनके वाहन को भी जब्त किया गया है। ऐसे कार्रवाई पे उनका लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। संदेश यही देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पे रहें और घर पे सुरक्षित रहें। इस COVID-19 से लड़ने के लिए जिला प्रशासन आपके साथ है, लेकिन आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है, तभी हम लोग इस बीमारी से लड़ने में सफल बनेंगे।